अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अफनान मॉम्स चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग फ्राइड राइस की रेसिपी। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल में जिंजर पेस्ट डाला है, उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ऑयल में। उसके बाद मैंने इसमें एक अंडा डाला है, अंडे को भी अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मैंने उसमें डाला है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसको भी मिक्स करने के बाद मैंने गाजरें डाल दी हैं, गाजरें भी बड़ी की एक जैसी कटी हुई हैं। सोया सॉस डाला है, सोया सॉस डालने के बाद मैंने कैप्सिकम डाली है। कैप्सिकम एंड पे डालने की वजह यही है कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो। उसके बाद मैंने इसमें राइस डाल दिए हैं, बॉयल्ड राइस। राइस को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था और इसको फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये ठंडे हो जाएं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए, अगर आप एग फ्राइड राइस बना रहे हैं तो आप इसको चावलों को गर्म गर्म फ्राइड राइस ना बनाइएगा, वरना आपके चावल टूट जाएंगे। इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सोया सॉस डाला है और एंड पे मैंने ग्रीन अनियंस का ग्रीन पार्ट डाला है। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये इसकी फाइनल लुक है। रेसिपी ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।